गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 7 पढ़ चुके हैं, आज हम लोग अध्याय 8 ठीक है, यानी राशियों की तुलना पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि राशियों की तुलना, राशि क्या है, कैसे इसकी तुलना की जाती है और क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, लिखा गया है राशि की तुलना। तो राशियों की तुलना दो आधार पर की जाती है, पहला चरस के आधार पर और दूसरा अचरस के आधार पर। तो चरस किसे कहते हैं और चरस क्या है, समझेगा इस सबके बारे में। यानी कहेंगे राशि की तुलना, राशियों की तुलना राशियों की तुलना दो आधार पर की जाती है, राशि की तुलना दो आधार पर की जाती है। चर राशि, तो चर राशि क्या है, तो चर राशि के अंतर्गत, ठीक है, चर राशि के अंतर्गत आपको यानी अंग्रेजी के लेकर ए से लेकर जेड तक के अक्षरों को हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। बेसिकली चर राशि इसमें से जेड तक की अंग्रेजी वर्णमाला को सम्मिलित किया जाता है, आप उसको कह सकते हैं छोटे तौर पे कि चर राशि वह राशि है जिसमें यानी जिसमें ए से लेकर के जेड तक की किसी भी राशि से तुलना की जाए। से ए से किया जाए, मान लीजिए कि ए का उम्र बी के उम्र से 3 गुनी है, या ए का उम्र एक्स का उम्र के 5 गुनी है, या एक्स का उम्र वाई के उम्र से 2.5 गुनी है, क्या कह सकते तुलना किया जाए। ठीक है, ये तुलना किया जाए आपको चर राशि के बाद। ठीक है, और दूसरा क्या है जी, लिखेंगे जैसे जैसे एक का उम्र बी के उम्र का 3 गुना है, 3 गुना क्या कह रहा है देखो, यानी एक का तुलना क्या कह रहा है, एक का तुलना कह रहा है बी से, ये क्या है जी, तुलना में क्या है 3 वर्ष बड़ा है, यानी ए का उम्र बी के उम्र से क्या है 3 गुना बड़ा, क्या है यानी जो ए का उम्र है क्या है ये 3 वर्ष है और बी का कितना है जी, बी का उम्र 1 वर्ष है, यानी जो अगर ए है बी के तुलना में क्या है 3 वर्ष अधिक है। इस प्रकार यानी ए से लेकर जेड तक की किसी भी वर्णमाला को आधार बनाकर के विभिन्न प्रश्न कर सकते हैं और उसका आंसर भी निकाल सकते हैं। अब लिखते हैं दूसरा अचर राशि, यहां ध्यान देंगे अचर राशि
आता है तो इसके अंतर्गत आपको हम एक से लेकर के सॉरी एक से लेकर के ठीक है और नौ तक के अंकों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें चौरासी में जैसे लिखेंगे चौरासी में एक से लेकर नौ तक तीन नौ तक तीन अंकों को पचराशि कौन क्या है कहते हैं। जैसे इसमें हम समझेंगे जैसे लिखा गया राम श्याम से राम श्याम से उम्र में दस वर्ष बड़ा है। राम क्या है जी राम श्याम से उम्र में क्या है जी 10 वर्ष बड़ा है यानी यानी राम है ठीक है। शिक्षा किसकी है शिक्षा के मेरा श्याम से राम जो क्या है जी श्याम से उम्र में 10 वर्ष बड़ा हमारा तो 10 क्या है जी यहाँ से ये क्या था 85 है सौ यहाँ पे क्या जीरो ठीक है क्या है जी यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है। इन्हीं 10 संख्याओं से यानी 0 से लेकर 9 के बीच की संख्याओं से ही कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी छोटी संख्या पाई जा सकती है। यहाँ पे क्या होगा 0 से लेकर 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं अक्षर राशि कहते हैं। लिखा गया है राम क्या है राम से उम्र में 10 वर्ष बड़ा है। 10 का क्या है 10 क्या आपका अक्षर राशि है 1 क्या है और 0 क्या है अक्षर राशि है। इस प्रकार हम लोग और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये आपका रहा राशि यानी राशि की तुलना कैसे करता राशि की तुलना जैसे मान लीजिए कि अगर रास्ते में जा रहे हैं तो 2 मीटर जा रहे हैं और 1 मीटर का घर दूसरे मीटर से क्या है 10 किलोमीटर दूर है क्या है इससे तुलना किया जाए तो कहा जाएगा कि मेरे घर तुम्हारे घर कितना है जी 10 किलोमीटर दूर है। या इसके मान लीजिए कि कोई दो गाड़ी एक दूसरे के सामने के सामने जा रही है और एक गाड़ी को मान लीजिए कि उसका निश्चित दूरी है और दूसरा क्या है उससे कुछ अधिक निश्चित है तो इस पर हम तुलना करते हैं जो पहला गाड़ी है मान लीजिए उसका कुल दूरी 50 किलोमीटर जाना है और दूसरा जो गाड़ी है उसको जाना है 80 किलोमीटर यानी कह सकते हैं जो पहला गाड़ी है ठीक है तो दूसरे गाड़ी की तुलना क्या है 30 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। जब तुलना करते हैं पहला गाड़ी जो है दूसरे गाड़ी की तुलना में 30 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा उसी प्रकार दूसरा जो गाड़ी है पहले गाड़ी की तुलना में 30 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। इस प्रकार इसे तुलना करते हैं। चलिए अब इसे देखेंगे राशि का तुलना और देखेंगे समतुल्य राशि ठीक है। अब देखेंगे इसका समतुल्य राशि दूसरा पॉइंट होगा समतुल्य राशि। समतुल्य का क्या होता है जी समतुल्य का होता है बराबर। अब यहाँ देखेंगे समतुल्य राशि तुलना कैसे करते हैं। देखेंगे समतुल्य राशि के दूसरा पॉइंट होगा इसमें जानेंगे समतुल्य राशि समतुल्य समतुल्य राशि क्या है
जैसे मान लीजिए प्यारी प्यारे तराजू है, ठीक है, ये है, और मान लेते हैं ठीक है तराजू है, इसका इत्यादि पलड़ा है, इसे मानते हैं कोई वस्तु रखते हैं दस सीढ़ी का, उसमें रखते हैं आठ की, तो क्या समतुल्य है? समतुल्य नहीं, समतुल्य तो होगा इसे रखेंगे दस अशुद्ध रखेंगे दस, तो क्या है दोनों भार बराबर होगा, इसको कहते हैं समतुल्य राशि। या इसको मान लीजिए यहाँ पे एक्स प्लस पांच के लिए पलड़े में और इस पलड़े में दे रहा है पंद्रह, ठीक है, ये भी क्या है समतुल्य राशि, कहीं समतुल्य है सॉल्व कीजिए, लिखेंगे एक्स प्लस पांच बराबर पंद्रह, क्या होगा जी प्लस का डेरिवेटिव होगा किसका होगा पंद्रह माइनस पांच और कितना होगा जी दस, एक्स बार कितना गया एक्स बार आ गया अब हम एक समान रखेंगे यानी क्या लिखेंगे दस प्लस पांच और क्या लिखिए तो पंद्रह है, क्या दस प्लस पांच पंद्रह होगा बराबर ये कितना जी पंद्रह, एंड दोनों क्या गया कुछ लिए बराबर, क्या ये समतुल्य है, ठीक है।